माँ जी, ये रिपोर्ट्स आप इधर ही रखें, मैं मेडिसिन इधर से ले लेता हूँ। अपने एरिया से पता नहीं मिले ना मिले, मैं अभी आया। ये लें, आपकी मेडिसिन हो गई है, उधर काउंटर से ले लें। अब ये कहां चला गया? ₹840। बकाया लगता है इस औरत के पास दवाइयों के पैसे इतने ही हैं। बेचारी कश्मकश में लग रही है कि क्या करे। अच्छा माँ जी, शुक्रिया। बड़ी बात है भाई, 840 की मेडिसिन उसने 100 में दे दी। एक मिनट बस। ₹350। डोनेशन फॉर मेडिसिंस। और ये 100 उसका डाल के 650। जी सर, आपके हैं 350। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए जनाब 750। जनाब ये यहाँ क्या काम चल रहा है? मैं दरअसल एक साफी हूँ, पूछे बगैर रहा नहीं जा रहा। और छोड़े सर, यहाँ ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ये क्या है, उस औरत ने पैसे भी कम दिए और डब्बे में से भी पैसे निकालकर बिल के पैसे पूरे नहीं हुए, तो क्या ये यहाँ अक्सर होता है? कभी हो जाता है सर, कभी नहीं होता। आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं। सफेद पोश लोग इधर रोज आते हैं, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं। कभी किसी के पास पैसे कम होते हैं और किसी के पास बिल्कुल नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है हम उतनी मदद कर देते हैं, और बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। ये डब्बा कितने दिनों में भर जाता है? दिन किधर सर, ये तो चंद घंटों में भर जाता है। वाकई? और ये डब्बा खाली कितनी देर में होता है? ये खाली नहीं होता सर, अगर ये खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटों में फिर भर जाता है। ये दिन में 3 से 4 बार खाली होके भरता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। माशाल्लाह, अनबिलीवेबल। क्या आप लोगों को कोई इदारा भी सपोर्ट करता है, या आपको कहीं और से पैसे आते हो? नहीं सर, इधर के लोग हैं जो दवाई लेने आते हैं, सिर्फ वही इसमें पैसे डालते हैं। क्या आप इन पैसों में से किसी इदारे को सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, इधर के लोग हैं जिनको इन पैसों से दवाई दी जाती है, ज्यादातर बेवाएं, बूढ़े और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं जो अपने माँ बाप के लिए इधर से दवाई लेने आते हैं। लड़कों को भी? आप लड़कों को क्यों देते हैं चंदे के पैसों में से दवाई? सर बेरोजगारी ही बहुत हो गई है, बहुत से लड़कों को तो मैं जानता हूँ जिनकी नौकरी कोरोना की वजह से खत्म हो गई है। अब उनके घर में भी माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दवाई तो सबको चाहिए होती है, तो इसी मजबूरी से लड़कों को इस डब्बे से दवा लेनी पड़ती है। कई बार तो हमने
लड़कों को इस डब्बे से पैसे निकालते हुए रोते हुए देखा है। यकीन करें, हम खुद रो पड़ते हैं। अच्छा, मेरा बिल कितना बताया आपने? 750। जज़ाकअल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुर्बत की आग जरूर भड़क रही है, मुफलसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर आसमानों से अबाबीलों के झुंड भी अपनी चोंचों में पानी की बूंदें लिए कितार बांधे उतर रहे हैं। खुदा के बंदे अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप गुमनाम सीले सताइश की तमन्ना से दूर। अगर ऐसा ही एक बॉक्स हर मेडिकल स्टोर पर रख दिया जाए और साहबे हसीयत लोग उसमें सफेद पोश लोगों की मदद की नीयत से कुछ पैसे डालते रहें, तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। मौका पर ही मुस्तहिक की मदद हो सकती है, बजाय इसके कि मुख्तलिफ इदारों के डब्बों में पैसे डालें जो कि मुस्तहकीन तक पहुंचते भी हैं या नहीं हमें कुछ नहीं पता। तो आप हमारी राय से कितने परसेंट मुत्तफिक हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।